मेरे बच्चों, शिवरात्रि निकट आ गई है। मैं तुम्हें उपाय बताना चाहता हूँ कि मैं तुम पर कैसे प्रसन्न होऊंगा। तुम्हें प्रातः काल उठकर सूर्य उदय होने से पहले मंदिर जाना है। अपने घर में एक साफ पीतल का लोटा लेना है, उसमें जल डालकर उसमें थोड़ा सा दूध डालें, पुष्प डालें और थोड़ा सा घी डालें। उसको लेकर मंदिर की ओर जाएं और शिवलिंग पर चढ़ा दें। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसके चार चक्कर मारें। फिर आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक देसी घी का दिया जलाना है। आपको शिवरात्रि वाले दिन पीले या सफेद वस्त्र धारण करने हैं, जिससे भगवान शिव को देखकर प्रसन्नता मिलेगी और वो आप पर प्रसन्न होकर आपको दर्शन जरूर देंगे। आपको निर्भाव होकर मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है और जो भी चाहिए उनकी शिवलिंग के पास जाकर मांगना है। वो आपके सारे कार्य सफल करेंगे। उस दिन आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं? आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको अपने कार्य से मतलब रखना है। घर में आपको सादा भोजन खाना है। अगर आप ये सब करेंगे तो भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता होगी। भगवान शिव आपको दर्शन देने जरूर प्रकट होंगे। आप उनके बहुत ही प्रिय सेवक हो और जब प्रातःकाल आप मंदिर को जाओगे तो आपको बहुत सारे संकेत मिलेंगे भगवान शिव की उपस्थिति के। उन्हें आप समझ लेना और मंदिर जाकर भगवान शिव को पूरी श्रद्धा से जल और पुष्प अर्पण करना।